और मैंने हमारा काउंटर काउंटर भी तोड़ लिया था। बिल्कुल ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, हमने सब जोड़ रहा था, ये पूरा निकला हुआ है। अच्छा, ये लड़की रोज सुबह इसी का ये जोड़ने का काम किया, नीचे से तोड़ा और धीरे 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 ऐसे तोड़ रहे हैं कि बस ये सब चले जाए। कोई गट से और डिटरमिनेशन से खड़ा हो काउंटर तोड़ सकते हो, बार बार तोड़ सकते हो, हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। तो दीदी नाम क्या है आपका? सर सीमा। सीमा नाम है। और आपका? मेरा नाम प्राची है। और आपका? मेरा नाम शिवानी है। अच्छा, तो ये ODS की कहानी बताओ मेरे को थोड़ी सी, कि ये ODS नाम क्यों रखा आपने और कब से यहाँ पे स्टॉल चला रहे हो आप? सर हमने काफी सोच के रखा है क्योंकि हमारा विजन बहुत बड़ा है, हम आगे ले जाना चाहते हैं। एंड इसकी जो स्टोरी है वो 2019 से स्टार्ट। अच्छा, लाइक हम तब से प्लान कर रहे थे बट मिड में ये कोविड आ गया, तो उसकी वजह से लाइक पोस्टपोन हो गया। कस्टमर को डिनोट करते हैं, हमारे लिए हर पर्टिकुलर कस्टमर एक स्टार है। एंड हमारे कल्चर में जैसे कहा जाता है अतिथि देवो भव, मतलब कस्टमर एज अ गेस्ट फॉर अस। जी, सो हमने स्टार सारे कस्टमर। अच्छा, और दीदी आप कुछ बताओ कि आपने मतलब कितना टाइम हो गया इस स्टॉल को चलाते हुए यहाँ पर? सर एक्चुअली हमने फाइनल ईयर जस्ट चल ही रहा था, तभी हम सोच रहे थे कि हम कुछ करते ही हैं एंड फाइनेंशियल इश्यूज हमारी फैमिली में भी चल रही थी, देन हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम करते हैं। अच्छा, तो जैसे ही फाइनल ईयर का हम सब ने पेपर दिया, वैसे हमने कहा कि भाई अब तो करना है। अच्छा, देन हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे स्ट्रगल किए। 3 months तो हमने सिर्फ 2 से 3 months यहाँ पर प्लेस पाने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ भाग की, फिर भी हमें नहीं मिल रहे थे। हमने बहुत ज्यादा लीगली परमिशन की, लीगली हमें मिल जाए उसके लिए भी हमें लीगली परमिशन भी नहीं मिली, चीजें नहीं हुई। फिर हमने कहा इतना रिस्क ले लिया है तो अब कुछ और ले लिया जाए, आ जाते हैं। अच्छा, आगे जो होगा देख लेंगे। देन फाइनली हमने स्टार्टअप किया, आज हमें 3 months हो चुके हैं स्टार्टअप में, और 3 months में द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाइब है वो है हमारी कुल्लड़ मैगी। जो वाइब है वो नॉर्थ कैंपस में बहुत तेजी से फैल रही है, आज दूर दूर से लोग आकर हमारी मैगी खा रहे हैं और जस्ट कह रहे हैं तो आपको ये मैम आइडिया कहाँ से आया कि हम कुल्लड़ में सर्व करे जाए ये मैगी? एक्चुअली सर प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि कोई भी सोच नहीं रहा है कि इन्वायरमेंट कितना ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है। जी, अफेक्ट हो रहा है। सो इसके लिए करेगा अगर हर इंसान बेनिफिट सोचेगा तो सर इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा? तो पुरानी यादों को भी हम जिंदा करना चाहते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी जिसको सोचकर हमने कुल्लड़ में स्टार्ट किया। अच्छा, हमारी टैगलाइन है वो ऐसे है, आइए की जिंदा। अच्छा, तो मैम कितने तरह की हमारे पास मैगी होगी यहाँ पर? हमारा छोटा सा मेन्यू आ गया जो हमने खुद क्रिएट किया है। अच्छा, मैडम ने खुद क्रिएट किया है छोटा। अच्छा, ये देखिए जी छोटा सा मेन्यू है, ODS लिखा हुआ है, कुल्लड़ मैगी लिखी हुई है, यहाँ पे 4 से 5 तरह की यहाँ पे वैरायटी होगी जो की सारी बिकॉज ऑफ हमारे ODS मसाले की वजह से। अच्छा, तो ये आपका खुद प्रिपेयर करा हुआ मसाला ये ODS? बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी मैगी को बहुत टेस्टी बना देता है एंड नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स दीवाने हैं हमारी मैगी। अच्छा, तो कितने मसाले डाल के ये आपने बनाया है? सर ये सीक्रेट है। अच्छा, ये बता देंगे सर तो हर इंसान बना नहीं लेगा। अच्छा, तो आपकी जैसे पढ़ाई की बात करी जाए तो आपने कहाँ तक कर रखे है? वी आर ग्रेजुएटेड, तीनों ऑल आर ग्रेजुएटेड। एंड एक बात पुट करना चाहूंगी, लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाइक बहुत सारे व्लॉगर्स आए उन्होंने हमारी वीडियोस बनाई जी, तो उनको जिन लोगों तक गई पब्लिक तक गई, तो पब्लिक हमें ये कमेंट करते हैं कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की तो ये ठेला ही लगाना पड़ेगा। सो काइंडली फॉर एवरीवन इन्फॉर्मेशन, हम सभी ग्रेजुएटेड है। अच्छा, और ग्रेजुएशन के बाद में कोई ठेला नहीं लगा सकता, ये तो बहुत छोटी सी सोच है, क्योंकि किसी का विजन क्या है ठेले के पीछे ये आप नहीं जानते। अब आप MBA चाय वाला भी देख सकते हो कि वो चाय बेच के भी कहाँ पहुँच सकता है, कहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये तो हमने हमारा जो 2019 में हमने सोचा था उस टाइम पर तो कोई वीडियो ही नहीं वायरल हुआ किसी की भी, हमने तब से सोचा हुआ था कि मैं कुछ करना है। अच्छा, आज ऐसे कमेंट आ रहे हैं, सब फॉलो अप कर रहे हैं, सब फॉलो अप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 2019 में सोचा था, आज अप्लाई किया है क्योंकि आज हमने बिल्कुल लाइफ होता है ना एक पीक पॉइंट होता है जो हमें कर देना होता है, बस हमने वो चीज की और आज हमने शुरू किया है। इस स्टॉल के पीछे का विजन सिर्फ इस स्टॉल पे खड़े होना नहीं है। अगर हम तीनों ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर है तो डेफिनेटली देश ने हमें शिक्षा दी है, देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैगी के अलावा और क्या होता है आपके पास? सर अभी तो हमारे पास राजमा चावल, हमने 3 months के बाद स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पे राजमा चावल, इसी चीज से हैपन अभी याद आया जो कि बहुत ज्यादा इस टाइम वायरल हो रहा है, लोग सपोर्ट भी हमें कर रहे हैं। अच्छा, कि जो हम राजमा चावल लेकर आए तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं साइड साइड के लोग होते हैं उनको बिल्कुल रास नहीं आया, उन्होंने कहा अगर आप मैगी लेकर आए तो सिर्फ मैगी लगाओ। अच्छा, और उन्होंने हमारा काउंटर तोड़ दिया, काउंटर भी तोड़ दिया था बिल्कुल। ये देखिए ये देखिए आप साइड से दिखा सकते हैं,
ये पूरा टूटा हुआ है, हमने सब जोड़ रखा आराम से, कुल्लर टूट गया, ये अच्छा। पूरा निकला हुआ है, हम बिल्कुल अच्छा। ये लड़की रोज सुबह इसी का ये जोड़ने का काम है, बिकॉज ये जोड़ पाती है, हम दोनों से नहीं जोड़ा जाता, बिल्कुल टूटा हुआ है। अच्छा। इवन जब दो बार तोड़ गया उसके बाद में नीचे जब एक हफ्ते का गैप हो गया तब नीचे से तोड़ा और धीरे 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 ऐसे तोड़ रहे हैं कि बस ये सब चले जाए। बट फॉर लाइक जब कोई गट से और डिटर्मिनेशन से खड़ा होता है तो उसको आप काउंटर तोड़ सकते हो, बार बार तोड़ सकते हो, हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। कहते हैं ना सर, पानी अपनी धारा अपने रास्ता बना ही लेता है, चाहे कितने भी पत्थरों से टकराए पर वो अपना रास्ता खुद तय कर लेती है, कितने भी पहाड़ों से टकराए। तो वी आर दैट एंड इंडिया ने इतना कुछ दिया है, तो हम चाहते हैं, हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो शुरुआत मैगी से हुई है। अच्छा। और मैगी के साथ अभी हम जल्दी बहुत डिलीशियस चाय लाने वाले हैं। अच्छा। तो बहुत सारी वेराइटीज होंगी। अच्छा। और जो लोग बीमार भी पड़ते हैं ना, कोल्ड है, जुकाम है, खांसी, सबका इलाज हमारे पास होगा। अच्छा। सब जिसको भी दूर दूर जुकाम हो, ठीक नहीं हो पा रहा है दवाई से, हमारे पास आए, एक चाय भी और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी चाय हम लाने वाले। अच्छा अच्छा। तो जो ये आप स्टॉल चला रहे हो छोटा सा, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको? सर आपको बिलीव नहीं होगा, हम तीनों यहाँ खड़े होते हैं, दो अभी कुछ लोग, कुछ हमारे फ्रेंड्स बाहर हैं, और हमारा जो बैकग्राउंड सिचुएशन है, लाइक लोग ये कह रहे हैं गरीबी दिखा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कमेंट्स में, अगर भीख मांगना होता सर तो भीख ही मांगते, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आने के बाद खड़े नहीं होते। और अगर सबको हमारी एक्चुअल रियलिटी पता चले ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑलरेडी हम गर्ल्स हैं तो लोगों को लगता है गर्ल्स इसीलिए खड़ी हुई, इनको लगता है ये सबको ले आएंगे अपने पास। नो सर, हम अपने टेस्ट की वजह से यहाँ पर है, होल ओवर द नॉर्थ कैंपस में मैगी चल रही है, इतनी वैरायटीज चल रही है, इतनी ज्यादा उनकी पॉपुलरिटी है, पर हम मैगी लेकर आए, हमारी मैगी में क्वालिटी है। अच्छा। तो इसलिए दूर दूर से लोग हमारी मैगी खाने आ रहे हैं। अच्छा। सोचो ना धीरू भाई हमारी जब पकौड़ा बेचकर आज उस लेवल पे है, मोदी जी एक वक्त चाय बेचते थे, आज वो उस लेवल पे आ चुके हैं, तो ये लेवल क्यों छोटा देखा जाता है? मेरा सच में क्वेश्चन है, सब लोग ये कहते हैं कि अब हर कोई ठेला लगाकर बैठ जाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा? 125 करोड़ है सर, 125 करोड़, उसमें से 25 करोड़ भी बिजनेस क्रिएट कर दिए ना पूरे इंडिया में, तो जो 100 करोड़ लोग होंगे ना वो अनएम्प्लॉयड होंगे। क्या खिलाओगे आज हमें ये बताओ? सर जो आप खाना चाहें। अच्छा, तो क्या स्पेशल है आपका जो आप को लगे कि हम अच्छा बना सकते हैं ये? सर हम सब अच्छा बनाते हैं, जो भी आप चाहेंगे वो आप खा सकते हैं, वैसे अगर आपको चीज पसंद है तो आप चीज मैगी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, या तो हमें आप खिलाओ मिक्स वेज, क्योंकि नॉर्मल क्या है मिक्स वेज होना चाहिए, जैसे किसी को चीज भी पसंद नहीं होती, किसी को मसाला भी नहीं, तो वेज क्या है वेज सबको पसंद है, तो आप मिक्स वेजिटेबल खिलाओ। में पानी डाल दिया आपने? जी सर पानी। अच्छा। और यह ओडियस का मैजिक मसाला। अच्छा। जो कि मैगी को बहुत ज्यादा टेस्टी यमी बनाता है। अच्छा। यह सर सॉल्ट। अच्छा, ये आ गया भाई मैगी, ये देखिए। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है वैसे? सर ये 45 की विद कूलर। अच्छा, विद कूलर 45 की। जी सर, बहुत इतना मतलब रीजनेबल प्राइस, क्योंकि आपका 10 से 15 रुपए की तो इसी की कॉस्टिंग होगी मेरे हिसाब से, तो कूलर की। सर ये हमें 7 to 8 rupees का पड़ता है कूलर। अच्छा जी सर, कॉस्टिंग मतलब इतना लो प्राइस इसलिए रखा गया है क्योंकि सर हम ये चाहते हैं कि हर एक कस्टमर अफोर्ड कर पाए। तो इसमें कौन कौन सी वेजी डाल रहे हो आप अभी? सर ये पीस है मटर, गाजर और कैप्सिकम। अच्छा भाई, ये सारी वेजी इसमें जा चुकी है, ये देखिए भाई, और बढ़िया से इसे मिलाया जा रहा है, ये देखिए भाई। थोड़ी देर के लिए सर इसको बॉइल होने देंगे। रेडी हो गई है? नहीं सर, ये इसमें जा रहा है ये मैगी मसाला। अच्छा, जो मैगी को मैगी का टेस्ट देता है सर, बस ये तैयार है। अच्छा, जो मैगी का ब्रांड बोलते हैं वो बोलते हैं 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं, तो आप करते थे 2 मिनट में? सर 2 मिनट तो नहीं, लेकिन 3 मिनट, 3 से 3.5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सर वो टेस्ट होना चाहिए मैगी में, तो वो टेस्ट 2 मिनट में नहीं आता है। अच्छा, 3 से 3.5 मिनट में हम बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमने बताया कि नॉर्थ कैंपस में फेमस है हमारी मैगी। अच्छा, दीवाने हैं लोग सर। अच्छा, और ये देखिए भाई, ये आ गए कुल्लड़ में, क्या बात है भाई, ये देखिए भाई, ये हो गई हमारी मैगी रेडी, जो कि कुल्लड़ वाली है, सौंधी सौंधी खुशबू के साथ है, आप भी खाइए, मजे लीजिए और बोलिए वाह वाह। अच्छा, और जो ये वीडियो देख रहा है तो ऑडियंस के लिए आप कुछ क्या बोलना चाहते हो? सर गर्मा गर्म पहले आप इसको खाइए। अच्छा, तो चलो ये मैगी हम ले लेते हैं। हाँ जी, अब उसके बाद आप बताइए। अच्छा, हम बताएं ऑडियंस को हम क्या कहना चाहते हैं? तो एक एक मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें लाइफ में हमारे आती हैं, बहुत सारे लोगों ने इतने एग्जांपल्स दे दिए हम सबको कि अब हर प्रॉब्लम छोटी हो गई है। छोटी नहीं होती एक्चुअली में, हमें उसे बनाना पड़ता है। जैसे कि देखो, किसी ने नहीं सोचा था दुनिया में कि कोई बिना बोले
हंसा सकता है किसी को भी या जोक कर सकता है। और चार्ली चैपलिन ने क्या किया, बिना बोले उन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया है। तो बस इस एग्जांपल से आप इतना समझिए, जिस चीज को लोग कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप स्टेप लीजिए सब हो जाएगा। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो आपने ये स्टोरी क्यों लगाया, जॉब क्यों नहीं करी आपने? सर जॉब हमने पहली बात तो सर जॉब हमने की है। अच्छा, तो हम सभी एक एक स्किल लेकर बैठे हैं। अच्छा। हम लोग जॉब सॉरी डिजिटल क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, अच्छा। हम लोग पोएटर्स भी हैं, हम लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, हम लोगों के पेजेस भी हैं, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। मेरे पेज का नाम है दिल से दिल तक पोएट्री। अच्छा। एंड इनका भी पेज है प्राची सिंह पोएट्री। अच्छा, और आपका? मेरा, मैं लिखती हूँ बस। अच्छा। अच्छा। सो सर कहते ना कि हम अपना जॉब में 100% डालते हैं, बट क्या 20% भी रिटर्न होता है? मैं बोलूंगी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर। तो आप किसी और के सपने पूरे करने से अच्छा आप अपने सपने पूरे कीजिए। बस हमें ये थॉट क्लियर हुआ और हमने अपना स्टार्ट किया। अच्छा। ये और फ्यूचर में जल्दी क्या करने वाली है, थोड़ा सा सस्पेंस है। तो गाइज हमसे बने रहिए, सर से बने रहिए, एंड प्लीज गाइज हम तीनों ही आपको इनवाइट करना चाहते हैं कि हमारे स्टॉल पे आए, खाए, अच्छा लगे तो और आए। एंड सर एक वन, अच्छा वो लेकर गए। अच्छा, हमारे एक्चुअली इंस्टाग्राम पेज भी, अगर सपोर्ट करना है किसी को तो हमें इंस्टाग्राम पेज पर सपोर्ट कर सकता है, ओम ध्रुव स्टार 050। अच्छा, ओम ध्रुव स्टार 050। अच्छा। एंड सर ये भी चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं बट वो दूर दूर है, तो वो हमें कॉल कर रहे हैं कि हम कैसे आपकी हेल्प करें। तो बहुत लोगों ने हमें फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बोला, तो अब हम ये चीज कह रहे हैं कि लाइक हमें बड़ा करना है बट हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हम फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर पब्लिक, एक पब्लिक भी हमें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, चाहे आकर खाकर चाहे कैसे भी, तो वो ऑडियंस को सच में ओम ध्रुव स्टार बनाने में बहुत जल्दी हेल्प कर सकता है। सो अगर कोई हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है तो सर के डिस्क्रिप्शन में जाए, हम आपको वहाँ पर हमारा पेटीएम नंबर मिल जाएगा। एंड देन आप एक रुपये का भी सपोर्ट करेंगे हमें तो एक एक करके कितने बन जाते हैं सर, और आपको नहीं पता आपका एक रुपये किसी के सपने पूरे करने की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। और ये हमारा सपना नहीं पूरा करेगा, हमारे सोसाइटी का, हमारे देश का सपना पूरा करेगा। अच्छा, और एक बार एड्रेस और बता दीजिए। एड्रेस है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस ओल्ड लॉ फैकल्टी के बाहर। अच्छा। नियर डूसू ऑफिस। अच्छा, टाइमिंग और बता दीजिए एक बार। सर 10 to 7 एंड संडे को ऑफ रहता है। संडे को ऑफ रहता है। हाँ जी। अच्छा। थैंक यू सो मच सर, गाइस प्लीज आइए खाइए और बहुत टेस्टी लगेगा आपको डेफिनेटली। और यहाँ पर सर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि पूरे नॉर्थ कैंपस में जितने भी लोग हैं हम इतना हाइजीन देते हैं कि इसका 50% भी कोई नहीं दे सकता, इतना प्रिटी 100% श्योर है, बिल्कुल हाइजीन खाना आपको मिलेगा। इसलिए गाइस प्लीज सपोर्ट अस, सपोर्ट अस, बाय, आना जरूर सब खाने के लिए। तो दीदी मैंने सोचा है कि आप सबको खिलाते रहते हो, ठीक है, तो आज अपनी मैगी आप खुद खाओ। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप खुद एक बार ट्राई करके देखो और हम भी ट्राई करेंगे इसमें से, डेफिनेटली। सो मतलब ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है हमारे लिए, बिकॉज अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो पहले तो आप ट्रेस करो क्योंकि आपने ये बनाई है मैगी, आपको पता होना चाहिए कि कैसा टेस्ट बना है। बिल्कुल सर, मुझे पता होना चाहिए, मतलब समझो कैसा टेस्ट, और आपको बताना भी है, ऑडियंस को आपको बताना है। ओके, टेस्ट बना रहना चाहिए। शोन के पेट में जा रहा है ये, उठा ये गया, ये कैसा राहत मिल गई, बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बनाई है, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा टेस्टी है। लाओ भाई, अब तुम्हारा हो गया। तो अब आप बताओ, ये फट से उठाया बिना फॉर्मेलिटीज के, बहुत टेस्टी है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड अब आप खाइए स्पेशली ये मैगी। तो भाई हम भी टेस्ट करते हैं, एक बार बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। ये देखो भाई, एकदम बढ़िया सी, ये देखिए भाई, काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और मैं कहूंगा जो रोड साइड मैगी है ना, मेरे को नहीं लगा था भाई इतनी टेस्टी भी बनेगी। और जो कि भाई ओडियस मसाले इन्होंने डाले हैं, जो कि भाई इनके स्पेशल मसाले हैं, उसका टेस्ट आ रहा है। इन्होंने बताया तो नहीं भाई सीक्रेट है इनका, है ना, क्योंकि भाई इनकी भी रोजी रोटी है, तो हमने इनसे पूछा भी नहीं। पर भाई दूसरी बाइट भी मेरा खाने का मन कर रहा है। ये देखा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वो भी लाल घंटा दबा करें।